हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स. आज का जो वीडियो है ये एक अनादर साड़ी शॉपिंग हॉल वीडियो है. इस वीडियो में मैंने जितनी भी साड़ी इंक्लूड की है उसे दिखाने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर मेरे इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या मेरा ये चेहरा फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे और नए नए कंटेंट्स मेरे चैनल पर लेके आती हूँ. मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, आप डेफिनेटली उसको विजिट कर सकते हैं. उसके लिए आपको सिर्फ ऊपर जो दिया है वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना होगा और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करना होगा ताकि मेरे सभी नोटिफिकेशन आप हर बार पा सको जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ. अभी चलते हैं हम अपने वीडियो के तरफ. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हॉल. आज के हॉल में की सबसे पहली साड़ी बहुत ही खूबसूरत सी बनारसी साड़ी है. एंड इससे पहले भी मैंने बनारसी साड़ियों को हॉल किया है मेरे चैनल पे और आप सबको बहुत ही पसंद आई थी. और ये भी मैंने आज एक साड़ी मंगवाई है मिंत्रा से और ये बहुत ही सुंदर साड़ी है. ये फ्रॉम द ब्रांड आई गेस मिटेरा ब्रांड से है ये साड़ी. एंड आप देख ही सकते हो ये कितनी खूबसूरत सी साड़ी है. बट इस साड़ी की खूबी ये है कि इन्होंने बिल्कुल प्लेन फैब्रिक नहीं दिया है, सीधा आपकी बनारसी साड़ी जो है वो स्टार्ट होती है अंदर के पल्ले से लेके बाहर तक. ये साड़ी पूरी एक ही टाइप में है एंड यू गाइस कैन सी बहुत ही सुंदर सा ये प्रिंट है. एंड देन आफ्टर ये है इसका पल्ला या पल्लो जो भी आप कहना चाहे, ये है इसका पल्लो. बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है, बहुत ही सुंदर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये इस तरह के पिंक को. देखिए ये इस तरह का बॉर्डर जो है ना ये टोटली ओवरऑल साड़ी के बॉर्डर्स पे दिया गया है एंड यू कैन सी द प्रिंट. और बहुत ज़्यादा नहीं फूलती है साड़ी, थोड़ी सी हल्की सी इसमें फर्स्ट टाइम आप यूज़ करोगे तो थोड़ी सी फूलेगी क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ बनारसी साड़ी. दोस्तों मेरी जो सेकंड साड़ी है वो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से ग्रीन कलर में है. इस साड़ी की सबसे अच्छी खूबी है कि इसका सिल्क फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है. यू कैन सी देखिए बहुत ही पतला सा सिल्क है, बहुत ही सुंदर सा फैब्रिक है. इस तरह की बॉर्डर जो है वो दी गई है एंड इस तरह की बूटी जो है वो ओवरऑल बनी हुई है. एंड ये है इसका पल्लो. इस पल्लो में आपको इस तरह का जो येलो लाइन्स है ये बने हैं, ये एक्चुअली गोल्डन लाइन्स है. आई एम टेलिंग यू कि ये येल्लो थोड़े से येल्लोइश गोल्डन टोन्स हैं एंड इस तरह के टासल का वर्क जो है नॉर्मल टासल्स आते हैं साड़ी में सिल्क की, इस तरह के टासल्स भी दिए गए हैं. साड़ी में आपको सेम ही ब्लाउज पीस मिलता है, इस तरह का ब्लाउज पीस इन्होंने दिया है. अगर आप चाहो तो आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज भी इसके साथ पहन सकते हो, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा. और यही सेम ब्लाउज आप किसी और साड़ी पे पहन सकते हो. ब्रांड्स एंड प्राइसेस मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी तो आप जाकर चेक करना बिल्कुल ना भूलिएगा. इस हॉल की जो नेक्स्ट साड़ी है वो इस तरह की नेवी ब्लू साड़ी है. ये साड़ी बहुत लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, बहुत लोग इसे परचेज भी कर रहे हैं. इट इज जस्ट बिकॉज नॉट द प्रिंट, ये सिल्वर कलर का एक वर्क है इसमें. इस तरह का सिल्वर कलर की बूटियां हैं इस साड़ी में दी गई एंड बॉर्डर बहुत ही सिंपल सा है गाइज. ये बहुत ही रेयरेस्ट इस तरह के आपको बॉर्डर्स मिलते हैं एंड इसमें पूरा सिल्वर जरी वर्क है जो कि यूजुअली आपको नहीं दिखाई देता. मोस्टली साड़ियों पे गोल्डन वर्क होता है. ये साड़ी टोटली एक जैसी है, इसमें थ्रू आउट इसी तरह का जो प्रिंट है वो है. इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स आपको मिल जाएंगे और सिर्फ जो इसका पल्ला है वो इस तरह से कॉन्ट्रास्ट में दिया गया है. ये फूशिया पिंक कलर का एक कॉन्ट्रास्ट है, बहुत ही सुंदर मॉविश पिंकिश कलर है ये. एंड देन आफ्टर इसके साथ आपको दिया है डेफिनेटली एक प्लेन सिंपल सा ब्लाउज जिसके साथ आपको इस तरह की बॉर्डर अटैच मिलती है. क्योंकि जो साड़ी है पूरी भरी हुई है तो इस तरह से प्लेन ब्लाउज देना एक स्मार्ट चॉइस है. प्लेन ब्लाउज इसके साथ अच्छा लगेगा. और बात करूं मैं इसके फैब्रिक की तो इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है. एज यू कैन सी आई कैन लिटरली डू लाइक दिस की बहुत ही सॉफ्ट है इसका फैब्रिक. यू कैन सी इजीली निकल आ रहा है एंड बहुत ज्यादा स्टिफ भी नहीं है. ये बहुत ट्रेडिशनल टिपिकल साड़ी नहीं लगती, थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी फील देती है आपको पहनने के बाद. इसके बाद है इस तरह की एक येलो साड़ी. येलो साड़ी है सिंपल सी शिफॉन की साड़ी है एंड शिफॉन का मटेरियल दिया गया है बट
इसमें इस तरह की जो बॉर्डर है ना, ये जो बॉर्डर है वो आपको बनारसी मटेरियल में मिलती है। एंड मेरे पास इस तरह का एक ब्लाउज है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं इसे विदाउट ब्लाउज स्टिच करवाते हुए भी यूज कर सकती हूँ, इसके लिए मैंने इसे बुलाया। इसका जो येलो है बहुत ही सुंदर सा टोन है, अच्छा कलर है। एंड ये जो शिफॉन है, ये फॉक शिफॉन, ये एकदम ओरिजिनल वाला शिफॉन नहीं है, ये फॉक शिफॉन है। इसके साथ इस तरह की बॉर्डर्स है, इसी को मैच करता हुआ ब्लाउज इसके साथ दिया गया है, जो आप अदरवाइज भी किसी और साड़ी के साथ इजीली कैरी कर सकते हो। दोस्तों ये तो था मेरा सारी शॉपिंग हॉल। आज का ये वीडियो आपके कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल।